नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि संघ प्रक्षालन को कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। संघ प्रक्षालन क्रिया को करते समय हम 5 योगाभ्यासों को प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों जब आप इस संघ प्रक्षालन क्रिया को करते हो तो आप लगभग 8-10 लीटर पहले गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें 3-4 चम्मच नमक डाल लीजिए। इसके बाद आपने 5 ग्लास पानी पीना है, फिर इन 5 एक्सरसाइजों को आपने प्रैक्टिस करना है, फिर पानी पीना है और इन 5 एक्सरसाइजों को जो हम आपको बताएंगे उनको प्रैक्टिस करना है। फिर इन एक्सरसाइजों को 5-5 बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि आपको मल त्याग की इच्छा ना हो। इसके बाद जब आपकी मल त्याग की इच्छा हो आप तुरंत फ्रेश होकर आए और फिर इन योगाभ्यासों को प्रैक्टिस करें। फिर आपने पानी पीना है, फिर योगाभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। दोस्तों इस संघ प्रक्षालन क्रिया को करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे कागासन में बैठ जाएंगे और फिर आपने 3 ग्लास पानी को पी लेना है। 3 ग्लास पानी को पीकर आपने 5 योगाभ्यासों को प्रैक्टिस करना है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे संघ प्रक्षालन क्रिया का सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासन। इसे करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों में अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रखते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाइए और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। इसके बाद लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पंजों के बल खड़े हो जाइए। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। इसे करने के लिए भी आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसके बाद आप राइट साइड अपने शरीर को ऐसे बेंड करेंगे। इनहेल करते हुए नीचे की तरफ गए, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आए। ऐसे ही लेफ्ट साइड से कीजिए, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आए। इस त्रियक ताड़ासन को भी आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। संघ प्रक्षालन का नेक्स्ट अभ्यास कटी चक्रासन। इसे करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर बिल्कुल सीधे ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट साइड ऐसे अपने हाथों को ले जाना है, अपने कमर को ऐसे बेंड कीजिए। इनहेल करते हुए राइट साइड ऐसे मुड़िए, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आइए। फिर लेफ्ट साइड से इसी क्रिया को कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे, आपने अपने कमर को घुमाना है। एक्सहेल करते हुए सेंटर में आइए। इस कटी चक्रासन को भी आप ऐसे ही 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये कटी चक्रासन सेकंड। इसे करने के लिए आप अपने पैरों में 1.5 से 2 फीट का स्पेस रख लीजिए और दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेना है। इसके बाद आपने अपने राइट साइड ऐसे बेंड हो जाइए। अपने राइट वाले हाथ को दाहिने कमर के पास रखिए और लेफ्ट हाथ को अपने कंधे के पास रखिए, राइट कंधे के पास रखिए। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे इस अभ्यास को। फिर सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद हम अंग प्रक्षालन का चौथा अभ्यास करेंगे त्रियक भुजंगासन। इसे करने के लिए हम पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रखते हैं और अपने पैरों को थोड़ा सा अपने पैरों में 1.5 से 2 फीट का स्पेस रख लेते हैं। इसके बाद भुजंगासन की पोजीशन में आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाइए और अपनी गर्दन को राइट साइड से ले जाते हुए अपने पैर को देखिए, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आ गए। फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से कीजिए। अपने दाहिने पैर के पंजे को देखिए, फिर सेंटर में। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे।
संघ प्रक्षालन का पांचवा अभ्यास करेंगे उदरा कक्षण। इसे करने के लिए हम ऐसे कागासन की पोजीशन में बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं, अपने पैरों में लगभग एक से डेढ़ फीट का स्पेस रख लीजिए और अपने पंजों के बल ऐसे अपने पंजों में आपने ऐसे बैठ जाना है। एड़ियों को ऊपर कर लीजिए, फिर इसके बाद अपने घुटने राइट घुटने को लेफ्ट पंजे के पास ऐसे रखिए और अपने सिर को पीछे ले जाइए, अपने कमर को ऐसे बेंड कीजिए, फिर सेंटर में आए श्वास छोड़ते हुए, श्वास अंदर भरते हुए इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से कीजिए उदरा कक्षण। इसे करते वक्त हमारे पेट पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, समस्त डिसऑर्डर दूर होते हैं। इस अभ्यास को ऐसे ही आप 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर सेंटर में आ जाएंगे। यह संघ प्रक्षालन एक क्लीजिंग योगाभ्यास है। यह हमारे पूरे शरीर को सेहतमंद बनाता है और हमारे पूरे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए इस क्रिया को आप महीने में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, संघ प्रक्षालन से हमारे आंतों की सफाई होती है और हमारे पेट के समस्त डिसऑर्डर दूर होते हैं। और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।